हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए। एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इडली कैसे बनाएं, इडली और डोसे का जो बैटर है कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना जो हमें सामान क्या क्या इसमें चाहिए होता है। तो इडली बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है 250 ग्राम चने की दाल, 200 ग्राम उड़द की धुली दाल, और ये बड़ी वाली जो बाउल है ये मैंने दो कटोरी इसमें। तो इसको हमने जो है इस दाल को हम भूनना स्टार्ट करेंगे। गैस आपको ना तो बहुत ज़्यादा लो रखनी है ना बहुत ज़्यादा तेज। इसको जब तक ही भूनेंगे, ना तो मैंने इसमें कोई तेल डाला है ना ही कुछ, इसको हम ऐसे ही भूनेंगे। और जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर जो है ब्राउन ना हो जाए। तो मैंने जैसा कि साफ़ पानी में आप देख सकते हो उसको एकदम साफ़ पानी धो लिया, जब तक ये पानी पूरा साफ़ ना दिखे तब तक आप उसको धोना। और ये हमने जो है उड़द की दाल भी धो दी है, और जैसा कि चने की दाल ये भिगो के हमने अब इसको जो है अभी इन तीनों को हमें पूरी रात भीगने के लिए जो है छोड़ देना है, कम से कम 12 घंटे के लिए। ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो। आप लोग देख सकते हैं मैंने दाल और चावल को अलग अलग पीसा है, और दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। नहीं यहाँ हमने चने की दाल को जो है पीस लिया था, जैसे बाद में एक पैन में हमने सरसों के तेल में ये चने की दाल को जो है हमने पीस लिया है, उसके बाद इसमें एक पैन में हमने राई का तड़का सरसों का तेल डाल के उसके बाद इसमें राई का तड़का लगाया था। नमक और मिर्च भी हमने अपने स्वाद अनुसार डाला है, और ये एक कटोरी बाउल उसमें दही भी हमने ऐड किया है। इसमें जो है हमने तेल को इसको लगा लिया है ताकि इसको अच्छे से इसमें जो है चिपके नहीं इडली इस स्टैन में। जैसे कि इसमें जो है मैंने तेल अच्छे से लगा लिया है, अब हम इसमें इडली बनाना स्टार्ट करेंगे। एक बाउल में आप देख लो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, उसके बाद इसमें स्टैंड जो है रख दिया था। 10-15 मिनट हो चुके हैं, पानी अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें इडली का जो स्टैंड है वो रखेंगे। ये स्टैंड जो है इसमें से हमने इसको लिया है, इसमें इसमें से इसे भरना स्टार्ट करेंगे। हमने जो है स्टैंड में रख लिए, अब इसको ढक देंगे 10-12 मिनट के लिए। अब ये देख सकते हो इसको मैंने इसको हल्का हल्का साइडों पे जो है इसको इस पर चिपक नहीं चाहिए, ये जो है आराम से जो है इडली निकलेगी इसमें से। ये देख सकते हो आप,